ये डी वाली जगह पे भी स्टॉप करेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा प्रोजेक्ट है RFID बेस ऑर्डर टेक एंड डिलीवर रिपोर्ट। इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है, 12 वोल्ट और 4 एम्पीयर की। इसके बाद यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया हुआ है। अगर ये ऑर्डर लेने जा रहा है या ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा है तो सामने कोई चीज़ आ जाती है तो ये वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जैसे ही सामने से कोई चीज़ हट जाएगी तो उस कंडीशन के ऊपर ये दोबारा फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमने अडीनो मेगा यूज़ किया हुआ है। इसके बाद इसको किसी भी टेबल पे भेजने के लिए हमने यहाँ पे RF रिमोट यूज़ किया हुआ है, यानी कि हमारे पास 4 टेबलें हैं। तो पहली टेबल का ए है, उसके बाद बी, इसके बाद सी, इसके बाद डी। उसके बाद यहाँ पर हमने लाइन फॉलोवर के लिए 5 सेंसर वाला IR सेंसर यूज किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हमने RFID RC522 यूज किया हुआ है, जो कि हमारे टैग रीड कर रहा होगा। यहाँ पर हमने अलग अलग लोकेशन के ऊपर टैग रखे हुए हैं, जैसे कि ये हमारा ए वाला टैग है, इसी तरह ही ये बी वाला टैग है, इसी तरह ही वो सी वाला टैग है, और इसी तरह ही डी वाला टैग है। अब ये जैसे ही हम किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से हम रोबोट को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद अगर हमने टेबल 1 पर बोर्ड को भेजना होगा तो यहाँ से हम बटन प्रेस कर देंगे ए का। तो जैसे ही हम ए का बटन प्रेस करते हैं रोबोट हमारा स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ये ए वाला टैग रीड करेगा वहां पर स्टे करेगा कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर इसने ए वाले टैग को रीड करके वहां पर ये स्टे किया इसने, और इसके बाद नेक्स्ट आगे रीड करता जाएगा। अगर हमने किसी और टेबल पे इसको स्टॉप करना होगा तो उस टेबल की कमांड हम दे देंगे तो वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अगर हमने किसी भी टेबल की कमांड नहीं दी होगी तो ये फिर अपनी जो होम पोजीशन है वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहां से इसको सी वाली टेबल पे भेजते हैं, और इसके सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने यहाँ पे हडल भी रख देते हैं। जब तक ये हडल इसके सामने रहेगी रोबोट हमारा स्टॉप रहेगा, और जैसे ही हडल सामने से हटेगी रोबोट हमारा दोबारा फिर प्ले हो जाएगा। अभी इसके सामने हडल पड़ी हुई है तो रोबोट हमारा यहीं पे स्टे करेगा, जैसे ही इसके सामने से हडल हटेगी तो दोबारा प्ले हो जाएगा। अभी हमने सी पे इसको स्टे किया था, सी पे ये स्टॉप हो गया हुआ है। इसी तरह अगर हम डी पे भी इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो हम इसे डी का बटन प्रेस कर देंगे तो वहां पे भी ये स्टे करने के बाद फिर दोबारा होम पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा।